नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 11 जनवरी के प्रथम और सेकंड शिफ्ट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न हूबहू जो आए हुए हैं उनका वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न आया है, 1929 में किस देश में महामंदी आई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा USA, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1929 में महामंदी आई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था SLR का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका हो जाएगा स्टैटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, मतलब इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1911 में हुआ था और इसका कंप्लीट हुआ था 1924 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब 2020 किसने जीता? तो सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला खिताब जीता है, ठीक है। और आपसे पुरुष पूछे तो नोवाक जोकोविच 2020 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था रक्त जो ब्लड होता है हमारा किस प्रकार का ऊतक होता है? तो ब्लड जो हमारा होता है संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव किस देश के हैं? तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो 9वें नंबर के हैं। आपसे एक इसके पहले वाले पूछा था तो वो थे दक्षिण कोरिया के, ठीक है। और क्या नाम था उनका? बान की मून, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट टाइम 9वें नंबर के हैं एंटोनियो गुटरेस, वो पुर्तगाल देश के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये हुआ था 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर जो है मतलब मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना? तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है ये कथन किसका है? महात्मा को अर्थात महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है ये कथन किसका है? तो चंदन देवशन को है। कौन है? चंदन देवशन ने ये कहा था कि महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न जो पूछा था एशियन गेम 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज का वाहक कौन था? तो आपको बताना है कि 2018 जो एशियन गेम हुए थे इंडोनेशिया में उसके ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज को किसने वहन किया था? तो नीरज चोपड़ा ने किया था। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा था आप लोग ये देखिए। आपसे अगला प्रश्न पूछा था जलती हुए मोमबत्ती में पिघलता हुआ मोम किस क्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? तो ये सिंपल सा है, केशिकात्व के कारण जो होता है जो बत्ती में मोमबत्ती है पिघली हुई वो ऊपर चढ़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 1998 में सहायक संधि किसने की थी? तो जो 1998 की सहायक संधि थी वो लॉर्ड वेलेजली ने की थी, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न पूछा था सांची का स्तूप किस शहर के नज़दीक है? तो आप लोगों को पता है कि जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में है, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न पूछा था नीला पर्वत कहा जाता है, मतलब नीला पर्वत कहाँ पर है? तो मिजोरम में है नीला पर्वत, ठीक है। अगर आपसे नीलगिरी पर्वत पूछे तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न जो दिया गया था डॉक्टर सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था देखते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा था, एक क्वेश्चन आया था सहसहयोगी अवन से, एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न हमको पूरा क्लियर नहीं मिला था लेकिन एक क्वेश्चन आया था सहसहयोगी अवन से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे अगला प्रश्न जो पूछा था माई मदर एट 66 पोयम के लेखक कौन है? कौन सी पोयम? माई मदर एट 66 के पोयम के लेखक कौन है? तो कमला दास जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था
बॉन्ड आई प्रोजेक्ट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बॉन्ड आई प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे कहाँ पे? वॉशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। और इसकी जो ये बॉन्ड था, बॉन्ड आई 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में नवंबर 22 को हुआ था, द्वितीय वाला 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किस वर्ष हार हुई थी? तो प्लासी के बाद युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, इसी में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है, कब? 23 जून 1757 को, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, गिरनार पहाड़ियों पर होने वाले आम का नाम क्या है? तो गिरनार पहाड़ियों पर होने वाले आम का नाम है क्या? केसाराम, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन देखिए बार बार हर शिफ्ट में लगभग लगभग पूछा जा रहा है, 1992 में, ये क्या होगा कि बस लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है, 1992 में ब्राज़ील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं? तो उसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन से के नाम से जानते हैं। रियो सम्मेलन क्यों नाम से जानते हैं? क्योंकि यह ब्राज़ील की राजधानी रियो जी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या पूछा था आज का अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था? 1992 में ब्राज़ील में माइक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है? तो जॉन मैनार्ड केनीज है। कौन है? जॉन्स मैनार्ड केनीज है, माइक्रो इकोनॉमिक के जनक। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति में उसकी जांच हेतु कौन सी कमेटी, किस कमेटी का जो कोई बनी थी वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बनी थी? तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति में उसकी जांच आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, परमाणु ऊर्जा आयोग भारत का गठन कब हुआ? तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो भारत का है, परमाणु ऊर्जा आयोग, उसका गठन 1 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ग्रेना किस प्रकार ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये पत्तियों में पाई जाने वाली ऊर्जा होती है, ग्रेना होती है। तो ग्रेना क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आधुनिक विद्युत जनरेटर, प्रश्न क्या पूछा था आपसे, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे सिद्धांत पे काम करते हैं आधुनिक विद्युत जनरेटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, चार ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है उसमें, तो जो ट्विटर थी वो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, उसमें अमेजन दिया था, फ्लिपकार्ट दिया था, तो ये सब हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय सिनेमा के पिता कौन हैं? तो दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा के पिता कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, लखनऊ में कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? तो लखनऊ की जो है चिकन करी जो है, ये लखनऊ का जो कढ़ाई कला है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, नेत्र की वह क्षमता जिससे वह फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये नेत्र की होती है समंजन क्षमता, क्या होती है? समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था, USA ने 2019 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया था? तो भारत और स्विट्जरलैंड को रिमूव कर दिया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या पूछा था, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देश को बीच सभी लेन देन का विवरण क्या कहलाता है? तो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, रीजनिंग में जिस प्रकार भारत से टाइगर का संबंधित है उसी प्रकार नेपाल से कैसे संबंधित है? तो भारत का जो हमारा नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, तो नेपाल का जो नेशनल एनिमल है वो काऊ है, ठीक है, गाय है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।